मेटाफोर्स क्या है? मेटाफोर्स क्रिप्टो एसेट अर्न करने की एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, जहां एक ही आईडी में मल्टीपल प्रोजेक्ट द्वारा अर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिलते हैं। पिछले एक साल में लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी बदले है मेटाफोर्स के साथ, एक ऐसी प्रोजेक्ट जो कि कभी बंद नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन पे बने हैं। एक ऐसी प्रोजेक्ट जहां हर सेकंड पेआउट मिलते हैं, एक ऐसी प्रोजेक्ट जहां अपलाइन और क्रॉसलाइन के वर्किंग से भी इनकम आते हैं। इससे भी एडवांटेज ये है कि यहाँ लाइफ टाइम के लिए पैसिव इनकम लेने का भी ऑप्शन है, यानी कि एक बार आपने क्वालिफाई कर लिया उसके बाद हमेशा इनकम आते रहेंगे, कोई बंद नहीं कर सकता। मेटाफोर्स के प्रोजेक्ट में टेक्टाइल एक मैट्रिक्स प्लान है, रॉयल्टी एनएफटी एक रियल पैसिव इनकम है, यूनिटबर्स एक अनलिमिटेड डेप्थ का मैट्रिक्स प्लान है, फोर्स कॉइन मेटाफोर्स इकोसिस्टम के खुद के क्रिप्टो करेंसी। तो चलिए मेटाफोर्स के टेक्टाइल प्रोजेक्ट को थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। टेक्टाइल एक मैट्रिक्स प्लान, यहाँ दो तरह की मैट्रिक्स है, एक S6 एक S3। S6 में 6 सर्कल है, 6 गोला है, यानी कि 6 लोगों से कंप्लीट होते हैं एक साइकिल, और S3 3 लोगों से कंप्लीट होते हैं एक साइकिल। S6 के 6 लोग आएंगे कहाँ से? ये आएंगे आपके वर्किंग से, आपके डाउनलाइन के वर्किंग से, और फिर आपके अपलाइन और क्रॉसलाइन के वर्किंग से भी आएंगे, यानी कि S6 के हर एक लेवल में नॉन वर्किंग इनकम भी आते हैं, और S3 के ये 3 लोग आएंगे आपके वर्किंग से। जब भी किसी भी स्लॉट के साइकिल कंप्लीट हो जाते हैं, तब एक नया साइकिल फिर से शुरू हो जाते हैं। आपके ये नया साइकिल आपके नए लोगों के सिवा आपके एग्जिस्टिंग लोगों से भी कंप्लीट होगा। आपके एग्जिस्टिंग लोग जो कि अपना साइकिल कंप्लीट करके फिर से आपके डाउन में प्लेसमेंट लेंगे, फिर से आपका पेमेंट बनेंगे, यानी कि स्लॉट आपको लाइफ टाइम में एक बार ही प्रोसेस करना है। बार बार साइकिल कंप्लीट करके बार बार इनकम ले सकते हैं आप। तो चलिए अब देखते हैं पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। टेक्टाइल में 100% पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। S6 के स्लॉट के पहला दो व्यक्ति जो कि आपके डाउन में प्लेसमेंट हुआ, चाहे आपके रेफरल से हो, आपके अपलाइन क्रॉसलाइन से आए हो, ये दो पेमेंट 100% आपके अपलाइन को जाएंगे। उसके बाद के ये तीन पेमेंट, ये तीन व्यक्ति जहां से भी आए हो, चाहे आपके रेफरल से हो, आपके डाउनलाइन के रेफरल से हो, आपके अपलाइन क्रॉसलाइन से आए हो, ये तीन पेमेंट 100% आपको ही मिलेंगे, और ये 6th पेमेंट अपलाइन को जाएंगे, आपके साइकिल रीसाइकिल हो जाएंगे। और S3 के हर लेवल के हर साइकिल में पहला दो व्यक्ति का 100% पेमेंट आपको मिलेंगे, तीसरे व्यक्ति का पेमेंट 100% अपलाइन को जाएंगे, आपके साइकिल रीसाइकिल हो जाएंगे। समझने वाली बात यही है कि S6 के 6 पेमेंट में से 3 पेमेंट आपको मिलते हैं और 3 पेमेंट अपलाइन को जाते हैं। S3 स्लॉट के 3 पेमेंट में से 2 पेमेंट आपको मिलते हैं और 1 पेमेंट अपलाइन को जाते हैं, ऐसे ही बार बार मिलते रहेंगे। यही है टेक्टाइल की मैकेनिज्म। हर एक लेवल के हर एक साइकिल बार बार रीसाइकिल करेंगे आप, बार बार पेमेंट आपको मिलते रहेंगे। टोटल 12 लेवल की प्लान है, लेवल 1 लेवल 2 S6 का, यानी कि 6 लोगों वाली, लेवल 3 S3 का, यानी कि 3 लोगों वाली, और फिर लेवल 4 लेवल 5 S6 का, लेवल 6 S3 का। हर दो S6 के बाद एक S3 का लेवल है। यहाँ 12 लेवल में से 8 S6 का लेवल है और 4 S3 का लेवल है। लेवल 1 एक्टिवेट करके भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। लेवल 1 एक्टिवेट करने के बाद ही लेवल 2 एक्टिवेट कर सकते हो आप, लेवल 2 के बाद ही लेवल 3 एक्टिवेट कर सकते हो आप, ऐसे ही एक एक करके लेवल एक्टिवेट करते जाना है। आप चाहे तो लेवल 1 से ज़्यादा, जितनी आपकी मर्जी उतना एक्टिवेट करके भी बिजनेस शुरू कर सकते हो। लेवल 3 तक, लेवल 5 तक, लेवल 6, लेवल 8, आप चाहे तो 12 की 12 लेवल एक्टिवेट करके भी बिजनेस शुरू कर सकते हो। और ये है आपके सामने हर एक लेवल की प्राइस। लेवल 1 5 डाई, यानी कि $5, लेवल 2 10 डाई, लेवल 3 20 डाई, लेवल 4 40 डाई, ऐसे ही हर एक लेवल की नेक्स्ट लेवल प्राइस डबल है। 12 लेवल है से आप अगर लेवल 3 तक एक्टिवेट करना चाहते हो तो टोटल 35 डाई चाहिए, लेवल 5 तक टोटल 155 डाई चाहिए, लेवल 6 तक 315 डाई चाहिए। तो जितनी भी लेवल आपको एक्टिवेट करना है आप एक बार खुद कैलकुलेट कर लीजिए। आप जितनी भी लेवल एक्टिवेट करके बिजनेस शुरू करते हो उसके बाद कभी भी फान रखकर आप मैन्युअली नेक्स्ट लेवल अपग्रेड कर सकते हो, या तो आपकी वर्किंग से ऑटो अपग्रेड का ऑप्शन भी है। यहाँ पर ऑटो अपग्रेड यही है कि आप जितने भी स्लॉट्स एक्टिवेट करते हो आपके सबसे बड़ा वाला जो स्लॉट्स रहेंगे उस स्लॉट की 2 पेमेंट से आपके नेक्स्ट लेवल ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाते हैं। 12 स्लॉट अपग्रेड हो जाने के बाद आपके आईडी में ऑटो अपग्रेड का ऑप्शन नहीं रहेंगे।
और फिर टेक्टल के हर एक लेवल के एक्टिवेशन पे पहले SFC बाद में SFC2 टोकन मिल रहा था, अब TR टोकन मिल रहा है, आगे कुछ और टोकन भी मिल सकता है, हर एक टोकन का वैल्यू आपको मिलेंगे जरूर। टेक्टल में अर्निंग के उदाहरण दिया जाए तो अगर आप टेक्टल के 6 लेवल एक्टिवेट करते हो और 6 लोग इंट्रोड्यूस करते हो 6 लेवल वाली, तब आपके एक साइकिल कंप्लीट हो जाते हैं। 6 लेवल के एक साइकिल कंप्लीट होते होते आपके इनकम हो जाते हैं 1125 डाई, INR में करीब 1,00,000 रुपए के आसपास, सिर्फ 6 लेवल की एक रिसाइकिल। 5 लेवल की एक रिसाइकिल में 485 डाई, यही 7 लेवल की एक रिसाइकिल में 2000 डाई, यही 8 लेवल की एक रिसाइकिल में 4000 डाई, यानी कि जितनी ज़्यादा लेवल उतना ज़्यादा बेनिफिट है। यहाँ पर हम यही सजेस्ट करते हैं कि आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से मैक्सिमम लेवल एक्टिवेट करके इस बिजनेस को शुरू करिए और फिर अपने वर्किंग से नेक्स्ट लेवल को अपग्रेड करते जाइए। तो यहाँ तक है टेक्टल के बिजनेस प्लान। जुड़े रहिए हमारे साथ, हर एक प्लान के डिटेल्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल सिलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों आज बस इतना ही, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।